हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 रेटेड जॉब्स इन कनाडा एज अ स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम वर्कर। सो कौन सी 5 जॉब्स है कनाडा के अंदर जो पार्ट टाइम वर्कर के तरीके से आप दी बेस्ट कर सकते हो। सो इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक थॉट से शुरू करना चाहूँगा इस वीडियो को कि ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट आर सीन इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट टेक अवे योर स्लीप। ये एक फेमस कोट है और इसको अब्दुल कलाम ने दिया हुआ है, आप में से कितने लोगों ने वो सुना भी होगा। सो यही कोट के साथ हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर देना, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और आपकी सब्सक्राइब बटन मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे नए वीडियोस बना के आपको आपके तक डिलीवर करने के लिए। सो अगर आपने सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि भाई जॉब्स सबसे बेस्ट कौन सी होती है। सो जो सबसे बेस्ट वाली होगी वो आखिरी में आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। हम 5-1 जाने वाले हैं, सो बैक टू फ्रंट जाने वाले हैं। सो सबसे पहली जो जॉब्स होगी जो मैं 5th नंबर पर रेट करूँगा वो होने वाली है सेल्स। सो सेल्स जॉब्स में क्या होता है कि भाई यूजली यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। कि यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन वाला हुआ, उनको समर्स में सेल्स वालों को बहुत चाहिए होती है कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे फ़ोन करो, वहाँ पे फ़ोन करो और ऑर्डर्स लेके आओ और उनको उसके ऊपर मार्जिन मिलता है, सैलरी मिलती है, सब डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। बट ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है कि भाई सेल्स के अंदर क्या करना है कि वो रिमोट जॉब होती है, यूज़ योर फ़ोन, गेट द कस्टमर्स और उनके ऊपर जो कमीशन मिलता है वो रख लो और वो आपका हो गया। ये सबसे बेस्ट जॉब है और इसमें नहीं कोई मेंटल स्ट्रेस है कि नहीं आपको कोई फिजिकल लोड पड़ने वाला है इस जॉब में। सो दिस इज़ वाई आई केप्ट दिस जॉब एट 5th, बिकॉज कुछ बंदों को क्या होता है कि फ़ोन पर रहना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए एक मेंटल स्ट्रेस का पॉइंट बन सकता है। इसीलिए हमारा ट्राई ये रहेगा कि जो हम 5 जॉब्स बताए, जो 5 जॉब्स हम बताने वाले हैं, वो 5 की 5 जॉब्स में हम ये मेंशन करें कि भाई ना आपको फिजिकल लोड पड़े कि ना आपको मेंटल स्ट्रेस पड़े, यही हमारा ट्राई रहेगा। पर ये जॉब में मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ बंदों को ऐसा लग सकता है, कुछ को नहीं लगता है। पर्सनल स्पीकिंग और माई सेल्फ कि अगर मुझे किसी को कॉल करके कुछ चीज़ बेचनी होगी मुझे वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे टॉपिक का बात करते हैं, तो फ्रंट डेस्क इन मोटल्स। आपने यूजली पता ही होगा कि भाई कनाडा और यूएस में मोटल्स का बहुत सीन रहता है। सो उसके अंदर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, पर वो जो जॉब्स होती है ना वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है वो, कि भाई मैं इसको नंबर 4 पे रखता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मोटल्स में जॉब करना ठीक है, मुझे इतना पसंद पर्सनली नहीं है। हाँ, अगर मिल जाए तो उसका पे रेट बहुत अच्छा होता है, इट्स समथिंग फ्रॉम $20 to $22 और ये बहुत ही अच्छा पे रेट होता है एक स्टूडेंट के लिए जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेज यू कैन गेट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। सो ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और इसमें आपके जॉब क्या करनी है कि भाई आपको एक शांति से एक कंप्यूटर मिल जाएगा, आपको फ्रंट डेस्क पे बैठना है और वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे जो चेकिंग करे, चेकआउट करे, उसका जो रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटर में एंटर करते रहो और वो सब कुछ प्रीटी ईजी होता है, वो लोग सिखा देते हैं और यही करना होता है और वहाँ पे पूरे दिन बैठे रहना होता है आपको। और यही सिंपल सॉर्टेड जॉब्स है और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस आप वहाँ पे बैठे रहो और करते रहो। मैं यूजली प्रेफर नहीं करता हूँ ये जॉब क्योंकि मुझे बैठे रहना बहुत पसंद नहीं है, मैं यूजली बाहर घूमना और ये सब कुछ ज़्यादा पसंद करता हूँ इसलिए। सो उसके बाद जो जॉब आएगी वो होगी हमारी 3rd प्लेस पे, और 3rd प्लेस पे आई विल कीप, आई गेस मैंने सेल्स की बात कर ली, मैंने फ्रंट डेस्क की बात कर ली, मैंने सिक्योरिटी बात कर ली, नहीं सिक्योरिटी आई डेंट टॉक अबाउट सिक्योरिटी राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी जो जॉब्स होगी वो भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स एवर होगी कि भाई जो सिक्योरिटी की जॉब्स है उसमें क्या होगा कि आपको शांति से खड़ा रहना है, सब कुछ मॉनिटर करना है और फिर अगर कुछ सस्पिशियस लगे, आपको कोई डाउटफुल लग रहा है तो 911 को कॉल करो, वो लोग आ जाएंगे और दे विल हेल्प यू कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब कुछ वो खुद देख लेंगे, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक विटनेस की तरह उनके लिए एक एक्ट करोगे। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, बट इट कैन बी वन ऑफ द वर्स्ट जॉब इन विंटर्स।
अगर आपको किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े रह के जॉब्स करनी होगी तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्स्ट जॉब, और अगर आप बिल्डिंग के अंदर रह के कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है, क्योंकि आपको सिर्फ खड़ा रहना है, आपको $20-22 का पे ऐसे ही मिल रहा है आपकी सिक्योरिटी कंपनी से सिर्फ खड़े रहने के और मॉनिटर करने के लिए। और ये यूजुअली यहाँ पे बहुत ही चलता है कि भाई व्हाट टाइम स्टूडेंट्स आते हैं और वो सिक्योरिटी लाइसेंस लेके सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स यू कैन फाइंड एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, और मैं भी खुद इसे प्रेफर करूँगा अगर मुझे करना होता कि भाई मेरे पास अगर मुझे ज़्यादा जॉब करनी होगी तो मैं यही प्रेफर करूँगा। क्योंकि क्या होता है, इसमें दो बेनिफिट्स होते हैं कि आपको एक तो आपको अच्छा पे तो मिल ही रहा है कि भाई 20-22 का पे मिल रहा है, प्लस क्या होगा इसमें कि आपका जो पे है ना वो ज़्यादा तो होगा पर आपको घंटे भी ज़्यादा मिलेंगे। सो यूजुअली जो सिक्योरिटी की शिफ्ट होती है वो समवेयर फ्रॉम 8 hours to 10 hours या 11 hours तक की भी हो सकती है। अब मैंने 12 hours की अभी तक सुनी नहीं है, बट इट मे बी, हु नोज। सो 8 to 11 hours की शिफ्ट, दैट्स प्रीटी गुड। अगर आप 2 shifts या 3 shifts भी खींच लो ना इतनी, तो आपका पूरा जो आपने टारगेट सेट किया हुआ जॉब का वो कंप्लीट हो जाएगा। So that's why I say this is one of the best jobs you can do while you are a student. उसके बाद second number बात करते हैं। So we went from 5, 4, 3, now we are at 2. So 2 के लिए हम बात करेंगे convenience. Convenience. So convenience शब्द अभी तो पूरा कर लेते हो मुझे। Convenience यानी कि convenience stores. So जो convenience stores होते हैं उस पर अगर आप कोई आप फ्रंट काउंटर पर खड़े रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पर खड़े रह के आपको चीज़ें स्कैन करके उनको बेच देनी है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स एवर गाइस। बिलीव करो मुझे कि मैं खुद करता हूँ ये जॉब, मैं पर्सनली स्पीकिंग और माई सेल्फ आई डू दिस जॉब। सो ये जॉब में क्या होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती है, जितने कस्टमर्स आए आपकी ड्यूटीज़ क्या होती है भाई, जितने कस्टमर्स आए उनको सर्व करो, उनकी जो चीज़ है उसका बिल बनाओ, उसके पास पे वैसा लो, टिल्ट में डालो और उसको जाने दो, यही आपका काम होता है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स एवर। सो ये जॉब्स इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पर रखे हुए हैं। और ये जॉब्स में क्या होता है कि नहीं आपको वर्क प्रेशर होता है, नहीं आपको फिजिकल लोड लेना पड़ता है, कुछ नहीं, आपको आपकी जितनी शिफ्ट है कि भाई 7 hours, 10 hours, 8 hours आप खड़े रहो, कस्टमर्स को अटेंड करो और वहाँ से ख़त्म करने के बाद निकल जाओ। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट रेटेड जॉब इन कैनेडा, और ये जॉब यूजली जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पर नहीं मिलती ईजिली, और जो बिग प्लेसेस होते हैं जैसे कि हैमिल्टन हो गया, टोरंटो हो गया, स्कारबोरो हो गया, वहाँ पे इजीली कन्वीनियंस मिल जाता है। बट इन कंपेयर टू दैट, इफ़ यू गो टू किचनर, यू गो टू पीटरबोरो, यू गो टू बैरी, यू गो टू समवेयर लाइक दिस, आपको इजीली ये नहीं मिलेगा। सो ये सबसे बेस्ट जॉब्स मैं अभी तक मानता हूँ। और जो आखिरी वाली जॉब है उसके लिए हम आप वो लोकेशन पर जा रहे हैं, तो चलो हम चलते हैं वहाँ उस लोकेशन पर। जो सबसे आखिरी जॉब है जो मैं कहने वाला था, जो सबसे बेस्ट जॉब है कैनेडा में अंदर, वो है ऑन कैंपस जॉब। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कॉलेज लेके आ गया कि भाई जो सबसे आखिरी जो जॉब होने वाली है बेस्ट वाली, वो है ऑन कैंपस जॉब। और इसमें अंदर क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो आपको जो एक्सपोजर देगा कि भाई जो एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए फ्यूचर में आपको फील्ड जॉब में, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन फाइंड ऑल ओवर कैनेडा इफ यू आर अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। और इसमें कैसे अप्लाई करना होता है कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, सो आप जो अपने कॉलेज है उसकी वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हो, और अगर आपको उस पर भी पता ना चले तो आप फिजिकली जाके इतना सा स्क्वायर हो या कोई स्टूडेंट हेल्पिंग डेस्क हो वहाँ पर भी जाके आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें कैसे हेल्प मिल पाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड दी टॉप मोस्ट रेटेड प्लेस इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू वर्क एट। तो मोहक कॉलेज का ऐसा सीन होता है कि वो लोग खुद आपको मेल भेजते हैं, उस लिंक से जाके आप रजिस्टर हो सब कुछ करोगे तो आप यहाँ पे वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पर उसका जो प्रोसेस पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। सो अगर आप 2 years के कोर्स में आ रहे हो तो पहला 1 year तो आपको यहाँ पे रजिस्टर होकर वर्क करने के लिए अपॉइंट होने में ही लग जाएगा। सो ये इतना यूजली हेक्टिक होता है यहाँ का। तो यही था हमारा आखिरी जॉब के लिए, और मैं जो वीडियो आपने आगे देखा वो शूट करके बाहर ही निकल रहा था पार्क से और यहाँ आ ही रहा था, उससे बीच में आपको कैनेडा का वेदर पता चल रहा होगा कि उस वक्त सब कुछ ड्राई था और अब रेनी हो चुका है। सो यही है हमारा कैनेडा का वेदर, और यही था हमारे आज के वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।